Thank you.
Shanti, so you can share your journeys. ओम शांति। बाबा ने आज फिर से तीन स्टेजेस की बात करी कि समान है, कि समीप है, कि हम सामने हैं। और उसके लिए बाबा ने फिर तीन तरह के उसके निशानियां बताई कि जो चाहे वो कर सकते हैं, वो समान है। और सामने कौन से हैं जो थोड़े सेकंड में अपने आप को ठीक कर सकते हैं, और जिनको थोड़े दिन या घंटे लगते हैं वो समीप हैं। तो ऐसे बाबा ने और आज दलदल को भी याद किया कि माया के दलदल कौन सा होता है, इसमें सब लोगों को लेके वो चले जाते हैं, और रॉयल पुरुषार्थी कौन होते हैं और उनको फिर धर्मराज पुरी पर डिवाइड कर देते हैं। जी, काफी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसके। ओम शांति। जी मुझे पॉइंट क्लियर नहीं हो रही है, इसमें कोई क्लियर कर दीजिए प्लीज। जो बाबा ने कहा जो रॉयल पुरुषार्थी होते हैं, जो उनके बोल
भयभीत करने वाले और पापघाती जैसे बोल होते हैं, तो इसका मतलब क्या है? मुझे कुछ समझ में नहीं आया इसका मतलब। ओम शांति। तो शिखा बेनर बताएंगे। ओम शांति। तो जैसे हमको जो समझ में आया कि जैसे कल की मुरली में भी था कि जो व्यर्थ संकल्प होते हैं हमारे, जो हमको यमदूत की तरह हमें वही खाते रहते हैं, तो इसमें जो बाबा कह रहे हैं कि जो रॉयल पुरुषार्थी होंगे उनका जो ये रूप जो इसमें वर्णन किया है वो बहुरूपी होंगे, चतुर होंगे और जैसा समय वैसा रूप धारण करेंगे। तो इसमें रॉयल्टी में रियलिटी नहीं है। तो मतलब अगर हम ऐसे एक एक शब्द को नहीं देख के अगर हम देखें कि बाबा कहना क्या चाह रहे हैं कि रॉयल पुरुषार्थी मतलब क्या, कि हर चीज में साधन चाहिए, हर चीज के लिए हमें कोई ना कोई आधार चाहिए, उसके लिए जब वो उस तरह से हम पुरुषार्थ करते हैं तो वो रॉयल पुरुषार्थी होते हैं। और वो अगर हम उनके संबंध संपर्क में और भी पुरुषार्थी आते हैं तो वो भी उसी तरह माया के दलदल में चले जाते हैं, जो मेरे को समझ में जैसे आया। बाबा ने इसमें कहा है कि वो दूसरों को डराएंगे भी, तो ऐसे कैसे समझे कि कोई हमारे आसपास है? तो ये बहुत मतलब बड़ी बात लगी और मैं तो थोड़ा समझ ही नहीं पाई उस बात को, क्या कहना चाह रहे हैं बाबा। डराने का मतलब जैसे कि जैसे अगर अगर भक्ति मार्ग में भी देखें तो सिंपल सा रीजन था कि क्यों हमें भगवान को याद करना है, क्योंकि हम भगवान को याद करेंगे तो हमसे गलत काम नहीं होगा। लेकिन फिर उसी को अपने स्वार्थ के लिए जिन्होंने भी डर का नाम देना शुरू किया कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, तो भगवान नाराज हो जाएंगे। तो अगर उस सेंस में देखना हो कि अगर अगर ब्राह्मण होते हुए भी फिर वो ऐसा कि अगर ऐसा ही करना चाहिए, ऐसा नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा, तो आप तो वैसे ले सकते हैं। ओके, मुझे समझ में आई ये बात जो आपने बोली ना, एकदम क्लियर हो गई है। अब ऐसा करते हैं, मैंने कई लोग को देखा है, डराते हैं कि आप ऐसा नहीं करोगे तो आप निश्चय बुद्धि नहीं हो आप। ये समझ में आ गया, थैंक यू बाबा। ओम शांति। ये ऐसा सूक्ष्म पॉइंट है ना कि बहुत इसके बारे में कहा नहीं जा सकता पब्लिकली, बस समझने की बात है। हाँ, एक्सपीरियंस से इसको समझ सकते हैं कि ऐसी सिचुएशन कोई हमारे सामने आई हो और जब हमें डराया गया हो तो वो ऐसा हुआ मेरे साथ, तो अब मुझे एकदम से एक क्लियर हो गया ये। या फिर और इसे सिंपल शब्दों में कहा जाए तो श्रीमत के अलावा जब मनमत मिक्स होने लगती है और मनमत के आधार पे कुछ भी कहते हैं तो वो फिर सारे रॉयल पुरुषार्थी वाले लाइन में आ जाते हैं, वीआईपी पुरुषार्थी भी कह सकते हैं उनको। तो काफी फिर हम श्रीमत से दूर चले जाते हैं धीरे धीरे। ऑल राइट, वी हैव 90 सेकेंड्स, एनी मोर शेयरिंग? हाँ जी, आज जो बाबा ने सच्चे वैष्णव की बात करी वो भी काफी गहरी बात करी कि जो हमारे सूक्ष्म पाप हैं वो कैसे हमको आगे नहीं बढ़ने देते हैं, और प्रकृति के लिए भी उन्होंने बोला कि कैसे वो सूक्ष्म पाप के भागीदार बन जाते हैं। तो ये काफी अलग पॉइंट था इस मुरली में कि जो सच्चे ब्राह्मण जो सच्चे वैष्णव होते हैं वो किसी को भी छूने नहीं देते हैं अपने आप को। तो वैसे ही क्या हम ऐसा करते हैं कि हमें कोई छोटे मोटे पाप छू तो नहीं जाते हैं? तो बहुत महीन चेकिंग। जी, तो बहुत ही पावरफुल, बहुत ही डीप मुरली है आज की। तो इसे हम फिर से पढ़ते रहें तो अच्छा है। तो कंप्लीट करेंगे योग के साथ। ओम शांति। प्लीज समवन एक्सप्लेन कि वो 5 तत्वों का आकर्षण किसी एग्जाम्पल के साथ। वी हैव 40 सेकेंड्स लेफ्ट, सो वी कैन डिस्कस इन नेक्स्ट सेशन। ओके, थैंक यू। Yeah.